आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। मैं आज एक अदृश्य हत्यारे के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो आपको कभी भी मौत के मुंह में धकेल सकता है। वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल एक अदृश्य हत्यारा है, इसलिए इसके ऊपर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ना नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपको आपकी ज़िंदगी को धोखा दे सकता है। पैरों में और पैर के नसों में ये जानलेवा कोलेस्ट्रॉल दौड़ रहा है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण पहचानने बहुत ज़रूरी हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल पैरों और स्किन के जरिए संकेत दे सकता है, जो आपको ध्यान से देखना है कि आपके शरीर में कहीं हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ तो नहीं रहा, कहीं आपके पैर जाम तो नहीं हो रहे, कहीं आपको क्रैम्प्स तो नहीं आ रहे, कहीं आपके पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप उनको ठीक कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल से निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं, दूसरों के भी जीवन को बचा सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तब बढ़ जाता है जब आपके खून में कोलेस्ट्रॉल नामक फैटी पदार्थ, है ना, चर्बी वाला पदार्थ बहुत अधिक जमा होता है। हेल्दी कोशिकाओं के निर्माण के लिए आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत तो होती है, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के जोखिम की संभावना को बढ़ा देता है। हाई कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर फैटी भोजन, है ना, यानी उच्च वसा युक्त भोजन, अधिक चर्बी पैदा करने वाला भोजन, गरिष्ठ भोजन, अधिक चिकनाई वाला भोजन, फ्राइड तला गला, ऐसा भोजन जो आपके अंदर चर्बी बढ़ाए, है ना, फैट बढ़ाए, फास्ट फूड, जंक फूड, है ना, ये और पर्याप्त व्यायाम न करना, अधिक वजन होना, धूम्रपान और शराब पीना, ये सारे के सारे कारण हैं आपके हाई कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के। और अनुवांशिक भी हो सकता है कुछ मामलों में, लेकिन सबसे मोटा हमारा खान पान ही इसके लिए जिम्मेदार होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण पहचानने बहुत ज़रूरी हैं, जो अक्सर साइलेंट होते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। इसे अदृश्य हत्यारे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये कई साफ लक्षणों के बिना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। हालांकि धमनियों में, है ना, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर के 5 हिस्सों में क्रैम्प्स का कारण बन सकता है। ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज PAD कोलेस्ट्रॉल से संबंधित स्वास्थ्य जटिलता का लक्षण हो सकता है। तो ये PAD, है ना, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके सिर और शरीर के सभी अंगों तक रक्त ले जाने वाली धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जैसे प्लाक का निर्माण होता है। ये एक सामान्य संचार समस्या है जिसमें संकुचित धमनियां आपके पैरों या आर्म्स, आमतौर पर पैरों में ब्लड फ्लो को कम कर देती है। जिन्हें पर्याप्त ब्लड फ्लो नहीं मिलता, PAD के लिए सामान्य जोखिम वाले कारकों में उम्र बढ़ना, डायबिटीज और धूम्रपान शामिल है। धूम्रपान कैंसर का भी कारण है, ये ध्यान रखिएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों में प्रभावित पैर और नितंबों, जांघों, बछड़ों और पैरों में क्रैम्प्स शामिल हो सकते हैं। क्रैम्प्स आ सकते हैं आपको, आराम करने के बाद ये क्रैम्प्स कम हो सकते हैं। PAD के अन्य लक्षणों में पैरों में कमजोरी, पैर की उंगलियों, पैरों पर घाव शामिल हैं, जो धीरे धीरे खराब या बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। आपकी स्किन का रंग पीला या नीला हो सकता है, जहाँ जहाँ पर भी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ वहाँ पर आपकी स्किन का कलर बदल सकता है, नीला हो सकता है, पीला हो सकता है।
आप दूसरे पैर की तुलना में एक पैर में कम तापमान महसूस कर सकते हैं और आप पैर की उंगलियों पर खराब नाखून वृद्धि और बालों के बढ़ने में कमी का अनुभव भी कर सकते हैं। बेरिगोस वेंस या पैरों में खिंचाव, खास करके घुटने के नीचे की पिंडलियों में दबाव या खिंचाव अथवा घुटने के ऊपर जंगाओं में खिंचाव और दर्द इसके लक्षण हैं। डीवीटी भी इन्हीं लक्षणों में से एक है ना। डीवीटी के और भी कारण हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी एक कारण हो सकता है। चोट आदि के अलावा डीवीटी हाई कोलेस्ट्रॉल का एक कारण हो सकता है। इन लक्षणों के बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पीएडी है और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, खास करके दर्द या क्रैम्प्स का, तो आपको तुरंत इसके बचाव के उपाय करने चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लड वेसल्स में वसा है ना, यानी फैट जमा हो जाता है। समय के साथ ये बढ़ते हैं और ब्लड फ्लो को बाधित करते हैं। कुछ मामलों में ये जमा कोलेस्ट्रॉल छोटे थक्कों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे कण बन जाते हैं, टूट जाते हैं और कुछ समय के लिए ब्लड फ्लो को पूरी तरह से सीमित कर देते हैं, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक होता है। इस प्रकार हाई कोलेस्ट्रॉल तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और हार्ट सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। हालांकि इसका प्रभाव शरीर के अन्य भागों पर भी दिखाई देता है, जबकि शरीर के लिए कई शारीरिक कार्यों को करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की एक निश्चित मात्रा आवश्यक है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह मात्रा बढ़े नहीं, अपनी लिमिट में रहे। शरीर को जितनी आवश्यकता है, जितनी मात्रा की आवश्यकता है, उतनी ही मात्रा रहे। पीएडी के और अन्य कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए। हेल्दी डाइट लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है। ऐसे कई फूड्स हैं जो सक्रिय रूप से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको सैचुरेटेड फैट में कटौती करना और इसके बजाय अनसैचुरेटेड फैट का सेवन करना है। ये हेल्दी फैट जैतून है ना, जैतून का तेल, तो आप खाना जैतून के तेल में बना सकते हैं। प्योर घानी के सरसों के तेल में अपना खाना बना सकते हैं, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अखरोट का सेवन करें। अखरोट में पाए जा सकते हैं जो आपके इसके बचाव के तरीके, क्योंकि रोज सुबह सुबह 4 अखरोट खाने की आदत डालिए। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, कॉपर और फास्फोरस होता है। यह बहुत तुरंत एनर्जी देता है और खून को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो इसलिए नियमित रूप से कम 4 अखरोट पूरे, है ना, एडल्ट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 4 पूरे अखरोट जितना अखरोट आपको खाना चाहिए। कोरा अखरोट नहीं खाया जाएगा। तो इसके साथ में आप बादाम क्रश करके बादाम ले सकते हैं। इसके साथ यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो मुनक्का ले सकते हैं, यदि डायबिटीज़ है तो काली द्राक्ष ले सकते हैं और ये खुबानी ले सकते हैं इसके साथ में, तो खुबानी भी आपको फायदा करेगी। तो ये अखरोट का सेवन आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको मछली के तेल का सेवन नहीं करना पड़ेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए एलोपैथी में मछली का तेल दिया जाता है, तो इसलिए मछली का तेल खाने से यदि आपको बचना है तो अखरोट खाना आपके लिए ज़रूरी है। अखरोट आपकी सेहत के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए और ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, खून को पतला करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से नियमित रूप से व्यायाम आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर सकता है। तो व्यायाम के लिए हमने पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप ध्यान से उसको देखिए। काली मिर्च का पानी हमने अभी कुछ समय पहले ही वीडियो डाला है। काली मिर्च का पानी कैसे बनाया जाता है वो हम
ये काली मिर्च का जो वीडियो हमने बनाया है इस वीडियो के एंड स्क्रीन में हम लगा रहे हैं। आप चाहें तो वहां पर भी क्लिक करके और आगे काली मिर्च के पानी का पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च का पानी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो। क्योंकि काली मिर्च भी खून पतला करती है, खून को साफ करती है और शरीर में खून का दौरा प्रवाह बढ़ाती है, तो इसलिए कहीं पर भी खून जमा होने की रिस्क खत्म हो जाती है। तो आप जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक आदत है ना, वो उन लोगों को नियमित रूप से काली मिर्च का पानी का सेवन करना चाहिए। इसी तरह से जो काली मिर्च युक्त तेल है हमारा कमाल का तेल, उसका भी हमारा एक पूरा अलग से वीडियो है, और काली मिर्च के पानी में काली मिर्च का जो वीडियो है उसके अंदर भी हमने वो सारी चीज़ें बताई है कि आप किस प्रकार से ये तेल तैयार कर सकते हैं। उस तेल की आप नियमित रूप से अपने हाथ पाँव में शरीर में मसाज करिए, है ना, बहुत दबाव डाल करके रब करके नहीं करिए, बिल्कुल सुपरफिशियल मसाज करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दबा दबा करके मालिश करें और फिर मुझे आप मैसेज करें कि दाने दाने निकल गए स्किन पे। बहुत दबाव डालेंगे तो निकलेंगे, लेकिन यदि आप सुपरफिशियल मसाज करेंगे तो मसल्स वगैरह एक्टिव होगी, उनमें गर्माहट आएगी, और ये जो काली मिर्च का तेल है ये अंदर रोम के द्वारा जाएगा, आपके शरीर के जो रोम है वो अंदर जा करके और उसको ब्लड फ्लो को रेगुलराइज करेंगे। तो ये जो कमाल का तेल है इसमें काली मिर्च का तेल भी है, अजवाइन का तेल भी है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल भी है, और इसमें जायफल का तेल भी आप मिला सकते हैं। तो ये सब मिला करके कमाल का तेल किस रेशो में है वो पूरा हमने वीडियो में बताया है, आप जरूर वो वीडियो देखिए पूरा तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से अलसी में लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यदि आप अलसी के बीज रात में भिगो करके और सवेरे इनका सेवन करेंगे रेगुलर, तब भी आपको मछली के तेल का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलसी अपने आप जो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो ये काम कर देगी, तो वो भी आपको बहुत फायदा करेगा। इसी तरह से हमने अभी एक वीडियो डाला लौंग और तुलसी के पानी का, इतना फास्ट और इतना एनर्जेटिक है, आप पी करके देखिए, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और चुटकियों में उसका असर होता है। तो किसी को भी आप वो लौंग तुलसी का पानी भी दे सकते हैं जिन लोगों की ऐसी शरीर की प्रकृति ऐसी है। इसी तरह से नींबू पानी भी इसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काम आता है। एवोकाडो एक फल आता है, तो एवोकाडो फल का सेवन करने से भी आपको जो है इसमें लाभ मिलेगा जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने में। इसी तरह से हल्दी खाने में, अपना भोजन में हल्दी का इंटेक बढ़ाइए। हल्दी एंटीबायोटिक भी है और हल्दी का इंटेक बढ़ाने से आपकी मसल्स वगैरह में खून का प्रवाह निर्बाध होगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से हमने कहा कि सवेरे सवेरे दालचीनी का पानी पीजिए, तेज पत्ता का पानी पीजिए, तो ये भी आपको लाभ देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप काली मिर्च के पानी वाला वीडियो और लौंग तुलसी के पानी वाला वीडियो देखना ना भूलें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करें। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक खराब एक अच्छा। ये खराब कोलेस्ट्रॉल जो है खून जो के थक्के जमा देता है और जो खून के प्रवाह में रुकावट डालता है, इसको कम करिए और इसका बराबर ध्यान रखिए, आपकी पिंडलियों का, पाँव की जंघाओं का, हाथों की मसल्स का पूरा ध्यान रखिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं, और आप इस वीडियो को यदि ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, अगले वीडियो भी ध्यान से देखेंगे सुनेंगे और इनका उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की मैं बार बार अपील करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। ये बड़ा पुण्य का कार्य है, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें हमारी वीडियो, आप शेयर करिए। धन्यवाद।